सो हेलो हाय गाइस। तो अब आगे हमें क्या करना है, हमें कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह डिज़ाइन करना है। तो उसके पहले हम यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत इसका विड्थ का इश्यू है यहाँ पर बॉर्डर पर। तो हम जो इसकी विड्थ थिकनेस है मेन रोड की वो बिल्कुल कम कर देते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा थिकनेस रहेगी उतना ज़्यादा वो वाइट पोर्शन दिखेगा। तो थिकनेस हटा देते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। ओके, एक बार प्ले करके देख लेते हैं हमारी गेम कैसी दिख रही है। और हम एक काम करते हैं, जो शेडोज़ वगैरह दिख रही है ना उसको ऑफ कर देते हैं, शेडोज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। डायरेक्शनल लाइट में जाएंगे, सॉफ्ट शेडो की जगह पर नो शेडो कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो चुका है रेडी सेक्शन, ये लाइन कलर का। ओके, तो अब हम कुछ ऑब्स्टेकल्स डिज़ाइन कर लेंगे, मगर उसके पहले हमारा जो प्रोग्रेस है वो सेट नहीं हुआ। तो उसका जो टोटल ट्रैवल वैल्यू है 13.4 आया है, क्योंकि अभी हमने थोड़ा बहुत चेंज किया था लेवल में। तो उसका टोटल ट्रैवल वैल्यू 13.4 आया था, यहाँ पे 12.5 है, वहाँ पे हम 13.4 कर देंगे, तो हमारी ट्रैवल वैल्यू सेट हो जाएगी। इसको हम एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बना देंगे कि भाई इस पर्टिकुलर लेवल का कितना टोटल ट्रैवल वैल्यू है, तो हमें बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट ही बना देंगे। ओके, तो या परफेक्ट, थोड़ी बहुत स्पीड और बढ़ा ही देते, या फिर ऑब्स्टेकल बना लेते फिर बाद में स्पीड देखते। प्लेयर होल्डर, प्लेयर की स्पीड जो 8 है वहाँ पर हम 12 ले लेते। ओके, ये हमारी लाइन कलर जैसा लग रहा है अब। ओके, सही है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्स्टिकल्स कुछ बनाने हैं। तो हमने जो लास्ट ऑब्स्टिकल बनाया था वो कुछ इस तरह से था, टॉरस, जो कि कुछ खास नहीं था। ओके, ये कुछ खास नहीं दिख रहा बराबर, ये हमने टेम्पररी बनाया हुआ था। तो हम कुछ लाइन कलर जैसे ही ऑब्स्टेकल बनाते हैं, अभी चार तीन चार ऑब्स्टेकल बना लेते हैं। पॉलीगन है, सर्कल है, या फिर वो सिलेंडर के साथ में जो पट्टी आड़ी आई हुई है वो है, उस तरह के कुछ ऑब्स्टेकल्स बना लेते हैं। तो कुछ ऑब्स्टेकल तो हम यूनिटी के अंदर भी बना सकते, जैसे कि हम एक क्रिएट एम्प्टी लेते हैं जिसको रिसेट दे देंगे, और यहाँ पर हम ले लेते ऑब्स्टेकल OBS 1 ले लेते, 01। उसके अंदर हम एक 3D ऑब्जेक्ट लेंगे, सिलेंडर। हम सिलेंडर का कैप्सूल कोलाइडर जो है वो हटा देंगे, हमें सिलेंडर का कैप्सूल कोलाइडर की ज़रूरत नहीं है। Y में उसको छोटा कर देंगे तकरीबन इस तरीके से, और हम एक और क्यूब ले लेंगे, 3D क्यूब। क्यूब को भी हम थोड़ा साइड से छोटा करेंगे इस तरह से, यूँ इस तरह से इसको विथ में भी छोटा करेंगे, थोड़ा ऊपर ले लेंगे, और इस तरह से उसकी एक्स में विथ बढ़ा देंगे। सिलेंडर थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा आई थिंक। कुछ इस तरीके से, और हमें इसकी विड्थ को भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास दो है। हम एक काम करते हैं, जो हमने मटेरियल ऑब्स्टेकल्स के बनाए हैं, जैसे दो मटेरियल क्रिएट कर लेंगे, एक ऑरेंज और एक ये ग्रे है हमारा, इसको हम ग्रे मटेरियल दे देते। तो ऑरेंज वाले मटेरियल को ऑरेंज में डालेंगे, ग्रे वाले मटेरियल को ग्रे में डालेंगे। तो ये हमारा एक ऑब्स्टेकल तो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, जो कि हूबहू दिख रहा है हमें किसके जैसा, हमारे लाइन कलर गेम जैसा। ओके, जैसे कि अगर हम इसको भी रख देते यहाँ पर भी, या फिर उसको यहाँ पर रख देते, थोड़ी बहुत साइज भी हम मैनेज कर पाएंगे इससे, तो हम साइज के साथ भी रख सकते हैं इसको। ये साइज के अंदर रखेंगे,
ये मेन होल्डर है, तो एक काम करते हम क्रिएट एम्प्टी होल्डर ले लेते, ताकि हमें रोटेट करना पड़े तो हम अंदर के होल्डर को ही रोटेट करें, ना कि इनको रोटेट करें। ओके, तो रोटेट हम इनको करेंगे, और मेन होल्डर को हम किस किस जगह पर आके उसको रोटेट रुकना है, यानी स्टार्ट पोजीशन कहाँ पर है, उसके लिए हम उसको वहाँ पर रखते हैं। ओके, तो जब हम एनिमेटर इसके अंदर लेते, एनिमेटर और एनिमेशन लेंगे, क्रिएट एनिमेशंस, एक मिनट। हाँ तो सॉरी, हाँ तो हमें क्या थे, हम एनिमेशन एनिमेटर यहाँ पे एनिमेशंस क्रिएट करना था हमें, तो एसेट्स में जाएंगे, एनिमेशंस में, ऑप्टिकल एनिमेशन में, यहाँ पर हम ले लेंगे OBS 01 एनिमेशन। ओके, OBS 01 एनिमेशन। अब यहाँ पर हम जो OBS का मेन होल्डर है उसको उसको रोटेट नहीं करेंगे, उसके अंदर जो होल्डर ऑब्जेक्ट है उसको हम रोटेट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम 0 पे रखेंगे, 4 सेकेंड के या 5 सेकेंड के बाद उसको 360 पे आना है। ओके, कोई से सेट 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 हमें यहाँ पर नहीं, कहाँ पर, वाई में रोटेट करना है ना। ओके, तो 0 रखते, ओई ओई होई, वन सेकेंड, माई मिस्टेक, हमें जेड में नहीं वाई में हमें वो करना है, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे, और 0 से 5 सेकेंड के अंदर 360 डिग्री पे वो रोटेट होगा इस तरह से कुछ। इस तरह से रोटेट होगा, या फिर हम इसको 180 डिग्री, 5 150 पर, हम इसको 180 पर ले जाते। ओके, इस तरह से रखते, ये सही रहेगा। ओके, ये आई थिंक सही लग रहा है मुझे। इसका स्पीड हमें बढ़ाना हो तो हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, मगर अभी हम रहते थे यही स्पीड पर। तो ये हमारा OBS होल्डर सही है, हम देख लेते हैं एनिमेटर अप्लाई हो चुका है यहाँ पर। हाँ, हमारा एनिमेटर भी आ चुका है और वो भी आ चुका है। तो अब एक काम करेंगे, ये जो प्रीफेब हमने बनाया है ऑब्स्टेकल का, उसको ऑब्स्टेकल प्रीफेब के अंदर OBS 1 नाम से जान देंगे। उसके पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारा क्यूब है, क्यूब के अंदर हमने बॉक्स बॉक्स कोलाइडर रहने दिया है, तो सिंपली हम ऑब्स्टेकल का टैग असाइन करेंगे, क्योंकि अगर ऑब्स्टेकल का टैग असाइन नहीं किए करेंगे तो प्लेयर उसको ऑब्स्टेकल के तौर पे डिटेक्ट नहीं करेगा, और वो प्लेयर की गेम ओवर नहीं होगी। तो जो जो टैग पे, जो 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 चीज़ के कोलाइड पे हमें गेम ओवर करवानी है, तो उस पे हमें ऑब्स्टेकल टैग दे देना है, कोलाइडर दे देना है और ऑब्स्टेकल टैग दे देना है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम ये ऑब्स्टेकल है उसका हम प्रीफेब बना लेंगे, और इसको थोड़ा सा पीछे ले लेंगे क्योंकि ये इधर है, तो हम इसको थोड़ा सा यूँ बाहर ले लेंगे, बाहर की साइड, इस तरह से कुछ। हाँ, क्योंकि वो रोड को भी तो कवर कर ही रहा है, तो एक बार देख लेते। अगर मान लो कि इस तरह से यहाँ से शुरू होना चाहिए, तो ये एक यहाँ से शुरू होगा। ओके, और हमें इसको डाल देना है ऑब्स्टेकल्स के अंदर, टोरस को अभी हम ऑफ ही रहने देते, टोरस को डिलीट मार देते, बल्कि टोरस की ज़रूरत नहीं है हमें। एक बार हम प्ले करके देख लेते कैसा दिख रहा है। ओके, आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। ओके, गेम ओवर हो चुकी है हमारी। अब हमें क्या करना है, ओ सीरी, ये आ चुके हम। ओके, ये हम फिर से आ चुके, रुकना है और यहाँ से हमें निकलना है। ओके, चलो सही है। थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल्स की हम हाइट ऊपर ले लेंगे, ताकि क्या हमारा जो लाइन कलर का जो ट्रेल रेंडर है उसको इफेक्ट ना करे, वो उसके ऊपर से चला जाए। ओके, अब परफेक्ट आ रहा है वो, अब उसके ऊपर नहीं आएगा वो, या अब देख सकते हो, अब परफेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही।
ओके तो या अब हमें क्या करना है, कुछ और ऑब्स्टेकल्स बना लेते। तो फटाफट से मैं ब्लेंडर में जाता हूँ और कुछ और ऑब्स्टेकल बना लेता हूँ। ये एक ऑब्स्टेकल तो हमारा बन चुका है जो कि हमने यूनिटी के अंदर ही बना लिया है। काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल हम यूनिटी के अंदर ही बना सकते हैं, मगर काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमें ब्लेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम ब्लेंडर में चले जाते हैं। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल क्यूबिक ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसके लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। फिर टैब प्रेस करके एडिट व्यू में जाएंगे और एफ प्रेस करेंगे ताकि वो फेस इसका फील हो जाए। फिर बाद में हम ई प्रेस करके जेड में अप आ जाएगी। ओके आई थिंक हमें थोड़ा उसका रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। फिर से शुरू करते हैं। सर्कल लिया, सर्कल की जो रेडियस है वो हम 2 मीटर की कर देते हैं। 2 मीटर अच्छा रहेगा। एडिट में जाएंगे, फेस कर देंगे फील एफ से और फिर उसको ई प्रेस करके हम ऊपर लेके आएंगे थोड़ा जेड के अंदर। जेड के अंदर थोड़ा ऊपर आने के बाद में फिर ये 3 प्रेस करेंगे। 3 प्रेस करेंगे यानी कि यहाँ से हमें फेस भी सिलेक्ट करना है। तो एक ये वाला फेस सिलेक्ट करना है, एक ये वाला फेस सिलेक्ट करना है और हम डिलीट प्रेस करेंगे। डिलीट प्रेस करके फेस को सिलेक्ट करेंगे, हमें फेस डिलीट करना है। तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। अब हमें ऐड मॉडिफायर में जाना है और सॉलिडिफाई मॉडिफायर को सिलेक्ट करना है और उसकी थिकनेस बढ़ाते जानी है कुछ इस तरीके से। हम 0.3 की थिकनेस रखते हैं। ओके तो ये थिकनेस हमारी बढ़ी। अब इसको हम टैब व्यू में से हटाएंगे तो इस तरह से हमें कुछ क्यूबिक सर्कल मिला है। ओके अब इसको क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे सॉलिडिफाई को। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है इस तरह का। अब हमें वापस से क्या करना है, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, शिफ्ट ए क्यूब लेंगे हम और क्यूब को एस प्रेस करके वाई के अंदर थोड़ी सी स्केल अप कर देंगे और फिर से एस प्रेस करेंगे और एक्स के अंदर भी थोड़ी सी स्केल अप कर देंगे। ओके अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ कोई भी एक पोर्शन हमें क्या बोलते हैं रिमूव करना है सर्कल का। तो हम पहले उसको पोजीशन कर लेंगे, जी प्रेस करके वाई प्रेस करेंगे और उसको एक पोर्शन, इतना पोर्शन हमें सर्कल का रिमूव करना है, यानी कि ये बाकी का पोर्शन दिखेगा, ये अंदर का जो पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर टैब में जाएंगे, ऐड मॉडिफायर में बुलियन सिलेक्ट करना है हमें और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे क्यूब। ओके ये हमारा क्यूब, तो आप देख सकते हो जैसे हम क्यूब हटाएंगे तो ये हमारा सर्कल इस तरह से दिख रहा है। ओके तो आई थिंक इतना चल जाएगा या फिर हम इसको स्केल डाउन कर सकते एक्स के अंदर थोड़ा बहुत इस तरीके से और फिर देखते। आई थिंक ये सही है। ओके तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फिर से सर्कल को सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर देंगे। अब ये वाला क्यूब है उसको डिलीट कर देंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कट होके तैयार है। तो अब हम इसको सेव कर लेंगे, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रेडी हुआ है उसको हम सेव कर लेते। यहाँ पर हम नाम दे देंगे ऑब्स्टेकल 2, क्योंकि ऑब्स्टेकल 1 हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये हम ऑब्स्टेकल सर्कल ले लेते, चलो ऑब्स्टेकल सर्कल, तो हमें पता चले कि कौन सा ऑब्स्टेकल है। तो सेव करेंगे ब्लेंडर फाइल। ओके और इसको एक्सपोर्ट दे देंगे हम FBX में, एक्सपोर्ट एज FBX सर्कल। ओके और उसको इंपोर्ट कर लेंगे हम हमारे ऑब्स्टेकल्स के अंदर, जो कि कहाँ पर है, हमने ऑब्स्टेकल अभी यहीं पर करा था। तो ये हमारा जो ऑब्स्टेकल सर्कल है इसको इंपोर्ट कर लेंगे हमारे यूनिटी के अंदर। इंपोर्ट करने के बाद में हमें लाइट्स कैमरा ऑफ कर देना है, जो कि हमने रखा नहीं है, फिर भी ऑफ कर देंगे और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारा ऑब्स्टेकल सर्कल आया। फिर बाद में हम उसको मटेरियल असाइन कर देंगे, जो कि हमारा मटेरियल है डार्क ग्रे या फिर हमारा ऑब्स्टेकल मटेरियल भी है बारीक, वेयर इज़ या ये रहा। ये हमारा मटेरियल असाइन हमने कर दिया इसको।
अब हमें पता है कि ये रोटेट होने वाला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रिएट एम्प्टी लेंगे, रिसेट पोजीशन पे उसको सेट कर देंगे, और हम यहाँ पे लेंगे ऑब्स्टेकल सर्कल होल्डर। ओके, ऑब्स्टेकल सर्कल ले लेते हैं, और ये जो हमारा ऊपर वाला है ऑब्जेक्ट उसको हम अनपैक कर देंगे, और अनपैक करके हम इसको डाल देंगे ऑब्स्टेकल सर्कल के अंदर। तो अब जब हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे, एनिमेटर एसेट एनिमेशंस क्रिएट एनिमेशंस, और एनिमेशंस टैब में जाके हम ऑब्स्टेकल वन की जगह पे हम ले लेंगे ऑब्स्टेकल सर्कल। ऑब्स्टेकल सर्कल को हम किस तरह से करेंगे कि ये हमारा जो है वाई में रोटेट होना चाहिए, तो वाई में जीरो रहेगा पहले, और आई थिंक उसी तरह से हमें 150 पर हमें इसको 180 पर ले जाना है। तो इसको हमें 360 पे करना है, इसीलिए हमें इसको 5 सेकेंड का टाइम देना है। ओके, 5 सेकेंड, आई थिंक 4 सेकेंड भी इनफ है। फोर या फाइव, क्योंकि हमें रुकने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर है ज़ीरो पर, ज़ीरो से 25 सेकेंड तक इधर 180 पे आ जाएगा, 180 पे कुछ सेकेंड रुकेगा और फिर बाद में आगे बढ़ेगा, इस तरह से कर देंगे। इधर रुका, फिर आगे बढ़ा, फिर इधर रुका, फिर आगे बढ़ा, फिर इधर रुका, तो इसके बीच में और इसके बीच में गैप कितना है, इधर से वो जीरो से हम इसको टू पे ले लेते हैं, ओके टू, और टू से हम इसको फोर पे ले लेते हैं। तो ये सिंपली क्या करेगा, वन सेकेंड, पहले इधर है ज़ीरो, 180, 180 पे रुका, फिर 180 से 360, फिर 360 पे रुकेगा थोड़ी देर, फिर बाद में पहले से शुरू होगा। ओके, एक बार प्ले करके देख लेते, रुका, फिर इधर रुका, फिर इधर रुका, ओके, तो इसका जो गैप है वो हमें 4 सेकेंड कर देना है, 4 सेकेंड, 0 से 2 पे रुका, 2 से 4 पे रुका, 0 से 2 पे रुका, और 2 से 4 पे रुका। ओके, सही है, ये हमारा हो गया है ऑप्टिकल सर्कल। तो अब हम ऑप्टिकल सर्कल के लिए भी इधर हम मेश कोलाइडर डाल देंगे, और मेश कोलाइडर डालने के बाद में उसको हम टैग दे देंगे ऑप्टिकल सर्कल को ऑप्टिकल। ओके, और इसका भी हम प्रीफेब बना लेंगे ऑब्स्टेकल में, तो ये हमारा एक ऑब्स्टेकल सर्कल आ चुके। जैसे कि अब इसको हम ड्रॉप कर लेते इसके हिसाब से, मेन ऑब्जेक्ट को हम कितना भी को जो भी जगह जो एंगल पर हम रखेंगे मेन ऑब्जेक्ट को, वो एंगल से ही हमारा रोटेशन स्टार्ट होगा। ओके, तो ये एक हमारा बेनिफिट रहेगा, यहाँ पर से इसको हम मान लो कि यहाँ पर रखते और फिर इसको हम एंगल सेट कर लेते इस तरह से यहाँ पर। ओके, थोड़ा आगे ले लेते इस तरह से, और इसको हम इधर रख लेते। चलो, तो अब आप ऊपर से देख पाओगे इसको, हम इसका मैक्सिमाइज हटा देते एक बार, फोकस देख लेते। ऊपर से आप देखोगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है
वो उसकी पोजीशन पर ही रुकेगा, यहाँ से यहाँ पर पाथ पे रुकेगा और वो वहाँ से वहाँ पर पाथ पे रुकेगा, ताकि जब भी हमें जाने का मौका मिले तो वो एम्प्टी जगह हो, स्पेस एम्प्टी हो। जैसे ये यहाँ पर रुका, आप दोनों साइड दे सकते हो, ये यहाँ पर रुका और यहाँ पे रुका। ओके चलो, तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं, मतलब मैं प्ले तो किया हुआ है, मैक्सिमाइज करके प्ले करके देख लेते हैं कि जगह वगैरह सब सही है। ओके, ओए बच गए। ट्री यहाँ से थोड़ा आगे ले लेना पड़ेगा हमें। ओके निकले, बच गए। हमें थोड़ा अंदर की साइड इसको रखना पड़ेगा। ओके, मतलब हम मोटे मोटे हमारा जो ऑब्स्टेकल है वो सही जगह पर ही है, यूं बोल सकते हैं आप। इसको हम थोड़ा ट्री को आगे ले लेते हैं। ओके, और ये जो हमारा ऑब्स्टेकल है इसको सेंटर में ले लेते हैं इस तरह से। ये वाले ऑब्स्टेकल के भी सेंटर में ले लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। सही है सही है सही है। तो ये हमारा एक और ऑब्स्टेकल हो चुका है। अब हमें एक और ऑब्स्टेकल बना लेना है, इसको हम सेव कर लेंगे। फिर से ब्लेंडर में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करके हम इसको पहले डिलीट कर देंगे। शिफ्ट ए प्रेस करके हम अब ले लेते हैं टॉरस। टॉरस के अंदर ही जो ऐड टॉरस यहाँ पर दिख रहा है, वहाँ पर हम जो सेगमेंट्स हैं सेगमेंट्स कम कर देंगे सबसे पहले तो, और ये वाले सेगमेंट्स भी कम कर देंगे। हमें 5 सेगमेंट्स रखने हैं। ओके, यहाँ पर जो मेजर सेगमेंट्स है वो 5 सही है। इसका जो रेडियस है वो हम बढ़ा देते हैं, रेडियस हम 1.1 का नहीं 2 का रेडियस कर देते हैं। और इस तरह से रेडियस हम 0.3 दे देते हैं। ओके, 5 साइड है, 6 साइड में कैसा दिखेगा? 6 साइड में कुछ ऐसा दिखेगा आई थिंक। 6 साइड का रख लेते हैं हम। अब सिंपली जैसा हम करते हैं वैसा ही करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करके क्यूब लेंगे, स्केल करेंगे एक्स में, उसको जी करके एक्स में नीचे ले लेंगे, ताकि सिर्फ कुछ पोर्शन ही हमारा डिलीट हो। फिर हमारा मेन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मॉडिफायर टैब में जाके बुलियन मॉडिफायर लेंगे, क्यूब को सिलेक्ट कर लेंगे और हाइड करके क्यूब को देख लेंगे कि सही है। आई थिंक सही है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको भी सेम रीत से अप्लाई कर देते, पहले क्यूब को ऑन करके पहले अप्लाई कर देते, फिर क्यूब को डिलीट कर देंगे और इसको भी सेव कर लेंगे। हमारा ऑब्स्टेकल पॉलीगन OBS पॉलीगन। ओके, और सेव एज ब्लेंडर फाइल कर देंगे, फिर इसको एक्सपोर्ट दे देंगे FBX में, ऑब्स्टेकल पॉलीगन सेव कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, और ऑब्स्टेकल पॉलीगन का जो हमारा FBX है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे हमारे ऑब्स्टेकल्स में। यहाँ पर हमारा ऑब्स्टेकल पॉलीगन आ चुका है, इसको हम लाइट कैमरा ऑफ कर देंगे, ऑब्स्टेकल पॉलीगन को ड्रॉप करेंगे, और हमारा जो मटेरियल है सेम जो प्रोसीजर है वो सब सेम ही रहेगी, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। मटेरियल ग्रे मटेरियल असाइन कर देंगे, थोड़ा सा हाइट में आप ले लेंगे इस तरह से। ओके, अब ये जो हमारा ऑब्स्टेकल क्या कहाँ गया, हमारा प्रीफेब जो हमने बनाया था ऑब्स्टेकल का, ऑब्स्टेकल सर्कल, उसको यहीं पर डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, और यहाँ पर ऑब्स्टेकल सर्कल 1 आया है ना, उसको हम ऑब्स्टेकल पॉलीगन दे देंगे पॉलीगन, और उसको हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे। ओके, अब ऑब्स्टेकल पॉलीगन में हमें क्या करना है, ये जो ऑब्स्टेकल सर्कल है उसको डिलीट कर देंगे, सॉरी हमें ऑब्स्टेकल पॉलीगन अंदर ले लेना है, और
ऑब्स्टिकल सर्कल को हम मेस और मेस रेंडरर ये हटा देंगे दोनों। अगर हमें बार बार एनिमेशन नहीं बनाने तो की बात है, ओके। बार बार अगर आपको एनिमेशंस नहीं बनाने तब की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बार बार एनिमेशन नहीं बनाने तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये हमारा सर्कल है जिसका गैप यहाँ पर है, तो हम सर्कल के हिसाब से इसका सेट कर देते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर है, ओके। जेड में 90 पे इसका सेट हो रहा है इधर इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्स्टिकल सर्कल है उसका मेस और उसका मेस कोलाइडर दोनों ऑफ करेंगे और ऑब्स्टिकल सर्कल के अंदर हमारा ऑब्स्टिकल पॉलीगन डाल देंगे, ओके। तो होगा क्या कि इसका जो एनिमेशन है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली वन सेकेंड मेन ऑब्जेक्ट को ओवरराइड अप्लाई टू ऑल कर देंगे और जो ऑब्स्टिकल पॉलीगन जो हमने दूसरा बनाया है उसके अंदर जाकर हम देख लेंगे कि सब सही है। हाँ तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा ऑब्स्टिकल पॉलीगन बन चुका है। तो ऑब्स्टिकल पॉलीगन के लिए हमें वापस से प्रीफेब में जाना पड़ेगा और ये जो पॉलीगन वाला सेक्शन है उसको प्रीफेब अनपैक करके यहाँ पर हमें मेश कोलाइडर देना पड़ेगा। मेश कोलाइडर देकर यहाँ पर हमें टैग देना पड़ेगा ऑब्स्टिकल, ओके। तो ये हमारा ऑप्टिकल टैग असाइन हो चुका है इसके अंदर। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सेट कर देंगे। एक बार सेट करके चेक कर लेते हैं कि किस तरह से है। जैसे कि उसको सेट करना पड़ेगा हमें तक यहीं पर, कहाँ पर सेट करेंगे चेक करने के लिए, यहाँ पर सेट करके देखते इस जगह पर। हम मेन होल्डर को चाहे कितना जो एंगल में रखे वो मेन ऑब्जेक्ट वहाँ पर उसी की रीत से रोटेट होगा। तो यहाँ पर अगर हम एनिमेशन प्ले करते, ओके, आई थिंक कोई इशू आए है तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा पॉलीगन को, सर्कल मेस कहाँ पर है और पॉलीगन कहाँ पर है। अब देखो इसीलिए इस वजह से दिक्कत आ रही थी, तो हम इसको 0-0 पोजिशन पर ले लेंगे ताकि वो सही से दिखे। ये हमारी मिस्टेक थी, इसकी वजह से वो रोटेशन बराबर नहीं हो रहा था। अब अगर हम प्ले करेंगे तो वो सही दिखेगा एनिमेशन, ओके। सही जगह पर आ रहा है, सही जगह पर आ रहा है। चलो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा आप ले सकते हो इस तरीके से, और हम एक बार प्ले करके देख लेते इसको भी। तो हमारे कुछ अच्छे खासे ऑब्स्टिकल्स बन चुके हैं। हम इसको साइज़ वगैरह बड़ी करके भी सेट कर सकते हैं, छोटी साइज़ करके भी सेट कर सकते हैं, और आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी ऐसे ऐसे हम ऑब्स्टिकल्स ऐड करते जाएंगे। तो अभी हम इसी ऑब्स्टिकल्स का यूज़ करके कुछ लेवल्स बनाने की कोशिश करेंगे। पहले देख लेते गेम हमारी किस तरह से, ओके। तो या सही, हमने 3 ऑब्स्टिकल्स बना लिए हैं। अब कौन सा ऑब्स्टिकल बना सकते हैं, ये अभी हमने टेम्प्ररी कराई, इस तरह से सेट नहीं होगा, बट ये हमने अभी टेम्प्ररी सिर्फ ऑब्स्टिकल को चेक करने के लिए बना के रख रहे हैं। अब हम बाकी के ऑब्स्टिकल्स को यहाँ से रिमूव करते हैं, ऑब्स्टिकल सर्कल और पॉलीगन को, और एक और ऑब्स्टिकल हमें बनाना है। वो ऑब्स्टिकल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ऑब्स्टिकल बनाना है। वो ऑब्स्टिकल कैसा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें सबसे पहले चाहिए क्रिएट एम्प्टी ऑब्स्टिकल OBS, हम ले लेंगे 0 OBS, क्या रखेंगे, बैरियर OBS 02 नंबर ही दे देते, चलो ना ऑब्स्टिकल 0102 इस तरह से उसको नंबर ही दे देते वरना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो रिसेट देंगे, रिसेट में हमारा ऑब्स्टिकल यहाँ पर है, ओके। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक क्यूब चाहिए साइडवेज बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर एक क्यूब लेंगे, क्यूब का जो बॉक्स कोलाइडर है उसको रिमूव करेंगे और इस
की हाइट और विड्थ को सेट करेंगे इस तरीके से। अभी हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ले जाते हैं यहाँ पर आगे, ओके। उसको रोड के हिसाब से हम सेट कर लेंगे कि रोड का क्या एंगल आ रहा है, ऊपर से टॉप व्यू में से देख के रोड के हिसाब से सेट कर लेते हैं, ओके ओके। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाकर देखेंगे कि किस एंगल में हमारा ये सेट हो रहा है। चलो यहाँ पर सेट हुआ, ओके। अब इसको हम विड्थ दे देंगे यहाँ तक की, इतनी विड्थ दे देंगे। और इसका जो मटेरियल है वो हम दे देंगे ग्रे, जो हमारा रोड का मटेरियल है। तो हमारा मटेरियल रोड का कहाँ है, रोड मटेरियल दे देंगे, रोड टू मटेरियल, ये वाला जो भी रोड का मटेरियल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक सेक्शन मिल चुका है साइडवेज का। अब यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, क्यूब लेते हैं, क्रिएट एमटी न्यू क्यूब, 3D क्यूब, और हम इसको एक ब्लॉक जैसा बना देंगे इस तरह से कुछ। एक ब्लॉक ये है, इस तरह से एक ब्लॉक इधर आएगा, ब्लॉक 01, जिसको हम कलर दे देंगे हमारा मटेरियल ग्रे डार्क। और एक ब्लॉक 2 आएगा जो कि होगा एक्स में प्लस, यानी कि ओके ये येलो की विथ होगी। अब ये दो ब्लॉक कैसे इस तरह से सेंटर में आएंगे और साइड में जाने वाले, ये दो ब्लॉक वो है, ओके। तो इधर इसको नाम दे देते हैं हम ब्लॉक 2, ओके। ये ऑब्स्टेकल हमारा होल्डर है, ये मेन ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2। अब ये जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है इसको हम टैग दे देंगे ऑब्स्टेकल का, ओके। क्यूब के अंदर जो है, जो हमने रोड बनाया है, रोड के जैसा हमने जो मटेरियल दिया है क्यूब को, वो हमारा बिना कोलाइडर का होगा। और ये दो ब्लॉक हमारे कोलाइडर वाले होंगे जिसको हमने टैग दिया है ऑब्स्टेकल। अब यहाँ पर हम एक फिर से एनिमेटर ले लेंगे, एनिमेटर के अंदर एनिमेशंस में जाएंगे, एनिमेशंस में जाकर ऑफ होल्डर सिलेक्ट कर लेते एनिमेशन। यहाँ पर ऑब्स्टेकल 1 की जगह पर हम ऑब्स्टेकल ले लेंगे 2। अब हमें क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक 1 -905 पर रहेगा और ये +905 पर रहेगा, ओके। दोनों की पोजीशन यही रहेगी। फिर बाद में कब तक रहेगी, 1 सेकेंड तक रहेगी, 1 सेकेंड या 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक रहेगी। फिर 30 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड पे ये आ जाएगी सेंटर में, ये यहाँ पर आएगा -0.1 और ये आ जाएगा 0.1। तो इसको थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा पीछे लेना पड़ेगा, इस तरीके से ये लोग सेंटर में आएंगे, ओके। 1.45 -0.145 और ये +0.145, ओके। इस तरह से ये सेंटर में आएगा। तो क्या हुआ, रुके, सेंटर में आए, फिर सेंटर में यहाँ पर कब तक रुकेंगे, 30 सेकेंड तक रुकेंगे, और फिर बाद में ये वापस बैक साइड चले जाएंगे, फिर स्टार्टिंग में रुकेंगे, रुके आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। तो इसका जो टाइम है इधर तक आए, फिर ये जो रुकने वाला टाइम है ये थोड़ा सा अपने बढ़ा देते हैं 30 से लेके 150 तक का। अब प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको 230 पर ले जाते तो स्टार्ट होने में टाइम लगेगा।
या फिर इसको कॉपी करके हम 3 सेकेंड तक ले जाते इसको, ताकि थोड़ा गैप मिल जाएगा। लास्ट वाली की फ्रेम को हम 3 सेकेंड तक ले जाएंगे ताकि वो रुकेगा वहाँ पर। ओके, तो ये हमें गैप मिल जाएगा निकलने का। तो ये हमारा एक और ऑब्स्टेकल रेडी हो चुका है, जिसको हम लूप में रहने देंगे। इसका प्रीफेब क्रिएट कर लेंगे, ऑब्स्टेकल में जाते हैं और हम इसको असाइन कर देंगे, प्रीफेब क्रिएट कर लेंगे इसका ऑब्स्टेकल 2। अब सिंपली इसको भी जैसे हम चाहे ऐसे रख सकते हैं, जैसे कि यही वाला पोर्शन हमें रखना है मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर जाएंगे रोड के हिसाब से उसको रोटेट कर लेंगे कि किस तरह से रोड है और सेंटर पोर्शन कहाँ पर आ रहा है। सेंटर पोर्शन यहाँ पर आ रहा है और रोड इस तरह से ये हमारा सेट हो चुका है। फिर इसको फिर से डुप्लीकेट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर रखना है तो यहाँ पर लेके आए, सेंटर पोर्शन में ला के रख दिया, रोटेट कर लेंगे हमारे हिसाब से, रोड के हिसाब से, आई मीन मेरे कहने का मतलब है रोड के हिसाब से रोटेट कर लेंगे कि रोड इस तरह से है तो इस तरह से हम उसको रोटेट कर लेंगे। एक बार प्ले करके देख लेते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा ये सेक्शन। ओके, अब ये जो ऑब्स्टेकल की हाइट है वो थोड़ी हमें बढ़ा देनी है आई थिंक, तो हम प्रीफेब में जाते हैं, सिलेक्ट करेंगे प्रीफेब, इसकी जो हाइट है ये बढ़ा देनी पड़ेगी हमें थोड़ी थोड़ी, इतनी ले लेते हैं ताकि हमारा जो लाइन कलर है वो ऊपर तक आ सके। एक बार प्ले करके देख लेते हैं, या ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा दिखेगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमने एक और ऑब्स्टेकल रेडी कर लिया है और जितना चाहे उतनी बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जो एंगल में चाहे वो एंगल में उसको रख के यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब प्रीफेब कर लिया, इसको डुप्लीकेट कर लिया, अब इसको हम मान लो कि यहाँ पर कंटिन्यू ले लेते, जैसे कि ये सीधा वे है ना, ये सीधा स्टेटिक वे के अंदर हम कंटिन्यू ले लेते। ओके, तो इसको हम रोटेट करेंगे इस एंगल में, फोकस कर लेते पहले तो, रोटेट करके सेंटर में लाएंगे। ओके, और डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल डी, आगे ले जाएंगे, कंट्रोल डी आगे ले जाएंगे, जैसे कि ये 3:7 में है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आगे जाके अगर हम खेलते हैं तो। रुकिए 1 सेकेंड, तो ये देखिए कितना अच्छा से दिख रहा है ये। तो ये हम निकल चुके हैं और ये हमारा ऑब्स्टेकल आ चुका है। चलो, तो इसी तरह से हम ज़रूरत के हिसाब से ऑब्स्टेकल बना लेंगे। अभी हमने कुछ 5-6 ऑब्स्टेकल बनाए जिसका यूज़ करके हम काफ़ी अच्छे खासे लेवल बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।